जी दोस्तों, हम शाहपुर कांजरा मंडी में हैं। तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद आतिफ। मोहम्मद आतिफ भाई के पास, और माशाल्लाह से ये सारे इनके बकरे हैं जो कि सेल करने के लिए हैं, खसी बकरे हैं सारे। तो मोहम्मद आतिफ भाई, बारी बारी बकरों के बारे में बताएं, जो वो शेरे हैं पहले उनका बताएं क्या क्या मांग रहे हैं। उसका हम तो 55,000 मांग रहे हैं, 45 का, 42 का, 47 का भी दे देंगे। मांग 55 नहीं है, लेकिन 42-47 तक का दे देंगे। हाँ, दे देंगे। और ये दांतों में क्या है? दांतों में दूंगा। ठीक है, माशाल्लाह बकरे काफ़ी अच्छे हैं। और आपके पास अमूमन वैसे किस रेट से किस रेट तक के बकरे हैं ये जितने भी हैं? ये 36 तक भी हैं, 38 तक भी हैं, 40 तक भी हैं, 45 तक भी हैं, 42 तक भी हैं। तो बारी बारी बताएं कि ये 36 का है, ये 40 का है, ये 38 का है, ये 45 का है, ज़रा लोगों को आइडिया हो जाए। ये 36 का है। ये माशाल्लाह, पहले नस्ल का बता दें, ये नस्ल नवाब शाह। नवाब शाह। ठीक है, एक मिनट। ये माशाल्लाह 38,000 का है आपने? 38,000 का। माशाल्लाह, ठीक हो गया। उसके अलावा और? उसके अलावा ये बकरा। हाँ जी, 34 का भी दे सकते हैं, 35 का भी। मूल 42,000। मूल 42 है, वैसे 34-35 का भी हो सकता है। मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों हैं? हाँ, दोनों हैं। ठीक हो गया। और ये बड़ा वाला? ये 40 का और 42 का दे। ये 40-42 का। तो माशाल्लाह रेट आज आपने बड़ा नॉर्मल रखा हुआ है। ये बकरा जी, अच्छा मैं गोश्त के अतबार से, जैसे ये बकरा, इसके अंदर से कितना गोश्त निकलेगा? इसका 40 किलो गोश्त निकलेगा। 40 किलो गारंटी के साथ? गारंटी के साथ। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं बकरे ये। ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा हैवी कौन से हैं आपके पास इस टाइम, जो कि इनमें? वैसे आंडल भी रखा हुआ है आपने कोई? हाँ, वो आंडल है, वो एंड आंडल भी दिखाएं, उसके अलावा दूसरे कलरों वाले भी दिखाते हैं आपको। ये चेक करें जी, ये आंडल है इसमें। इसका क्या मांग रहे हैं? इसका हम दाम मांग रहे हैं 55,000। 39 का, 46 का, 47 का भी दे सकते हैं। ठीक है, 55 मांग रहे हैं, लेकिन 45, 46, 47 का भी दे सकते हैं ये। माशाल्लाह, ठीक हो गया। उसके अलावा ये जो लाल में है, ये पूरा लाल है जो, ये वाला, ये 42 का दे सकते हैं। 42,000 रुपये का बोलो, 54,000 या है बकरे ही है। ठीक, बड़ा सुना है। ये भी देखें जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत बकरा है कुर्बानी के लिए। इसका कितना मांग रहे हैं? इसका 55,000 मांग रहे हैं। 55,000 मांग रहे हैं, और माशाल्लाह इसका प्रिंट बहुत ज़बरदस्त है। टांगे देखें और ये चेहरा देखें, दो दांत। तो ये फाइनल कितने का हो जाएगा ये? 45 का फाइनल हो जाएगा। 42,000 रुपये का। ठीक है, वैसे कार्गो का बताएं, किसी ने दूसरे शहर से मंगवाने हो तो क्या तरीके है आपसे? हमारे पास अच्छा है, बैगन है वो। ठीक है, लेकिन आपको पहले पैसे भेजे? हाँ। तो पैसे आप, अकाउंट है आपका? हाँ जी, अकाउंट है। ठीक हो गया, तो पहले पैसे लेते हैं फिर उधर माल पहुँचा देते हैं। वैसे कार्गो भी कर देते हैं? हाँ जी। ठीक हो गया, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बकरे हैं इनके पास। इस टाइम आपके पास कितने ये बकरे मौजूद होंगे? ये हमारे पास 36 और 37 दाने हैं। 36-37 दाने हैं। ठीक हो गया। एक ये बकरा, ये जो है ब्राउन कलर का, इसका क्या मांग रहे हैं? इसका हम 42,000 मांग रहे हैं, 35 का दे देंगे। 42 मांग रहे हैं, 35,000 का दे देंगे। 33 का भी दे देंगे। 33 का भी दे देंगे। तो दोस्तों, जो लोग कह रहे थे कि मुनासिब दाम बकरे चाहिए, तो उनके लिए चेक करें, माशाल्लाह साइज़ में भी बड़े हैं, गोश्त भी ज़्यादा है इनमें, खसी हैं, और माशाल्लाह खूबसूरत बकरे भी हैं। और ये वाले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। कोई जोड़ी का बताएं? जोड़ी का? हाँ जी, ये जोड़ी है, ये दोनों, ये जोड़ी का, ये जोड़ी, ये जोड़ी 85 की, 90 की दे देंगे। माशाल्लाह ये देखें जी, मेरा हाथ भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन माशाल्लाह फुल भर। ये जोड़ी 85 की 90 की दे देंगे। हाँ जी। और इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश भी हो जाएगी? हाँ जी, गुंजाइश भी हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके अलावा भाई के पास मक्खी चीने भी हैं, जो सिर्फ 4 रह गए हैं। पहले मक्खी चीनों से पहले इसका बता दें, इसका कलर अच्छा है, फिर मैं मक्खी चीनों पे आता हूँ। ये वाला? हाँ जी, ये हम 36 का दे देंगे, मोल 45-47,000 मांगे। वैसे 36,000 का दे देंगे। हाँ, ये भी दो दांत है? हाँ, ये भी दो दांत है। ठीक हो गया। इसका भी कलर बड़ा खूबसूरत है, टांगों का कलर देखें आप, माशाल्लाह अकली का भी। ठीक हो गया। उसके अलावा ये जो मक्खी चीने हैं, ये कितने दांत होगा? ये 4 दांत है। ये 4 दांत है मक्खी चीना, और माशाल्लाह लेंथ इसकी अच्छी है। इसके कितने पैसे मांग रहे हैं? इसका हम 70,000 मांग रहे हैं, 55,000 का फाइनल दे देंगे। 55,000 रुपये का फाइनल दे देंगे।
ठीक हो गया। ये वाले उठाएंगे? ये जो सबसे आगे है मखीची ना, इसका क्या मांग रहे हैं? इसका हम 55,000 मांग रहे हैं, 45,000 का फाइनल दे रहे हैं। 45 का फाइनल। और ये जो पीछे दरमियान वाला है, ये वाला 75 मांग रहे हैं, ये 60,000 का फाइनल दे रहे हैं। ये 60,000 रुपये का, और माशाल्लाह सही पले हुए हैं, ठीक है। और ये रह गए, ये इसका 85,000 मांग रहे हैं, 65,000 का फाइनल दे रहे हैं। 65,000 का फाइनल देंगे, ठीक हो गया। नंबर दे दें, हमारा वही नंबर है पुराना ही, फिर भी 0302 43 43 36 36 937 937। वैसे आप पीछे से किधर के थे? ये लाहौर के ही हैं? हाँ, लाहौर के हैं। ठीक हो गया दोस्तों, ये कुर्बानी के बकरियाँ भाई के पास, मखीची ने भी हैं, और ये माशाल्लाह ये नस्ल के भी हैं, नवाब शाह की, बड़े खूबसूरत होते हैं ये। तो किसी को चाहिए और रब्ता करे, कार्गो मंगवाने हो वो तब भी मंगवा सकता है, और कुर्बानी के लिए बड़े बेहतरीन हैं। और वैसे आपके बकरे कहाँ कहाँ जाती हैं, कौन कौन से शहर में बिकते हैं? हमारे भाई शेखुपुरा भी जाते हैं जी, जी साहिबाल भी जाते हैं, बाड़े में भी जाते हैं, ठीक हो गया, रावलपिंडी में भी जाते हैं। और ये इस बाड़े का नंबर नहीं होगा कोई, क्योंकि ये शाहपुर कांजरा मंडी की एंट्रेंस पे ये मैदान आता है साइड पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बकरियाँ लगी होती, बकरे लगे होते हैं उसके बिल्कुल साथ ही ये बाड़ा है। कोई वीडियो देख रहा है डायरेक्ट आके लेना चाहता है, वो डायरेक्ट इस बाड़े पर आ जाए, और भाइयों को बता देना कि बारे चैनल से आए तो भाई उसे स्पेशल थोड़ी और रियायत कर देंगे, बिल्कुल हमारे वसीले से कोई है उससे थोड़ा और सस्ता, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह ये सारे थे जी बकरे। और वैसे बकरे आपके पास इस टाइम कितने होंगे ये टोटल? ये 40 दाने। 40 दाने? 40 कह रहे हैं, मुझे तो ज़्यादा लग रहे हैं वैसे, माशाल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत हैं कलर, और मुझे तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लगे हैं। तो दोस्तों, अब जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ईद आने आ रही है, दिन ब दिन जितने भी दिन गुजर रहे हैं हमें ईद के और पास लेके जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस आ रही हैं हमारे चैनल के ऊपर, और आपको हमारे चैनल के ऊपर बहुत ही बेहतरीन जो जानवर हैं वो देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए हमारी आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, घंटी के निशान को लाजमी दबाना है, ताकि हम जब भी कोई भी वीडियो लगाएं तो वो आपको मिले सबसे पहले, और हमारे चैनल के ऊपर इंशाल्लाह आपको बड़ा बेहतरीन माल जो है वो देखने को मिला करेगा। तो आप सभी दोस्तों से एक बार फिर गुजारिश है, जो भी लोग दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करें हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब लाजमी करें, इंशाल्लाह के बछड़ों की भी और भी बकरों की, बकरियों की इंशाल्लाह बहुत बेतहाशा वीडियोज़ आ रही हैं। तो आप लोगों ने काइंडली कमेंट में बताना है कि आपको ये सब बकरे कैसे लगे, और लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ की थी जो कि आप सभी को बहुत अच्छी लगी थी, तो इस वीडियो में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अब ये जो मक्खी चीना है, और ये मक्खी चीने जो आप लोग मंडी से लेते हैं 8,000 के 7,000 रुपये के बच्चे, तो वो इतनी हाइट और लेंथ नहीं करते हैं, क्योंकि होता क्या है ये पिंडों शिंडों में लोगों ने रखी होती हैं छोटी छोटी हाइट के मक्खी चीने, तो आप बच्चे ले लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता वो हाइट करेगा नहीं करेगा कितनी करेगा। तो मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब भी आप लोगों ने लेना हो या तो किसी फार्म से लें जिसमें आपको पता हो कि इस जानवर का माँ ये है बाप ये है, तो आपको पता होता है, फिर आप कीमत भी थोड़ी ज़्यादा खर्च सकते हैं, और आपको पता होता है कि मैं कीमत ज़्यादा खर्च लूँगा लेकिन मुझे चीज़ अच्छी मिलेगी जब मैं तैयार करूँगा, तो वो बकरे की जो हाइट है लेंथ है वो ज़्यादा होगी। और अगर आप लोग ऐसे मंडी से ले लेंगे और उम्मीद करेंगे कि बकरा इतना बड़ा हो जाए, तो वो फिर बहुत 100 में से एक ही होगा किसी का इतना बड़ा हो जाए और इतना छोटा बच्चा ले, क्योंकि अमूमन ऐसे जिनके पास होते हैं बच्चे वो इतने छोटे सेल नहीं करते माओं के अलावा, उन्होंने पिंडों में रखी होती है, उनकी कोशिश होती है कि हम खुद तैयार करें खुद रखें और उसके बाद सेल करें। तो माशाल्लाह ये सारे खसी थे, इनके पास आंडल भी एक बकरा था जो मैंने आपको दिखाया है, मैदान के साथ ही बाड़ा है, और माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन है। अच्छा वैसे एक चीज़ तो बताएं कि बकरे को खसी करना हो तो उसके लिए आपके ख्याल में सही उम्र क्या है? बचपन में ही कर देना चाहिए? बचपन, बड़े होकर नहीं करना चाहिए? बड़े होकर भी करना चाहिए। अगर कोई छग्गा बकरा है या चौगा बकरा है तो उसको खसी करना ठीक रहता है? वैसे ईद से अगर पहले करना है किसी ने तो कितना अर्सा पहले कर देना चाहिए? 4 महीने पहले करना चाहिए, कम से कम 4 महीने पहले, कि ईद तक दर्द ना मनाए वो, फिर ठीक हो गया। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की,
माशाल्लाह बड़े अच्छे बकरे थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे लगे होंगे। और वीडियो आप लोग देख तो रहे हैं लेकिन काइंडली लाइक लाजमी कीजिएगा, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आ रही हैं। और कमेंट लाजमी कीजिएगा, घंटी के निशान को लाजमी दबाइएगा ताकि इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ जब भी लगाएँ आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़।